नमस्कार, क्राइम रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सुदर्शन। सबसे पहले बात बीकानेर की, जहां एक युवती से हुए सामूहिक रेप ने राजस्थान को पूरे देश के सामने शर्मसार कर दिया। यहां दिल्ली से महिलाओं के सामान बेचने आई एक युवती से 23 लोगों द्वारा सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है। 28 वर्षीय युवती की शिकायत पर बीकानेर पुलिस ने मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। पीड़िता ने 2 दिन पहले बीकानेर एसपी सवाई सिंह गोदारा से मिलकर 23 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। बीकानेर में हुई दिल दहला देने वाली वारदात। 28 वर्षीय युवती से 23 लोगों ने किया गैंगरेप। दिल्ली की रहने वाली युवती लेडीज सामान की है विक्रेता। अपहरण के बाद सुनसान इलाके में जाकर दिया वारदात को अंजाम। बीकानेर में वो हुआ जिसने पूरे प्रदेश को शर्मसार होने पर मजबूर कर दिया। यहां दिल्ली की एक 28 वर्षीय युवती से 23 लोगों ने गैंगरेप किया। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के सामने आने के बाद इलाके के लोग सहमे हुए हैं। वारदात 25 सितंबर की है। महिला की तहरीर पर जयनारायण व्यास कॉलोनी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई गई और पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए छापे मारे। बीकानेर पुलिस ने मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। युवती दिल्ली से बीकानेर आकर चूड़ियां और महिलाओं का सामान बेचने का काम करती है। पीड़िता जयपुर रोड पर एक मंदिर के पास रुकती थी, जहां से बरसिंगसर और पलाना के कुछ युवकों ने उसका अपहरण कर लिया। युवती को आरोपी एक वाहन में बासी बरसिंगसर के पास सुनसान स्थान पर ले गए। वहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। अज्ञात अभियुक्तों को जानती भी नहीं थी, छोटा मोटा उसने कोई क्लू दिया था। उस क्लू के आधार पे पुलिस ने मालूमात करके पतारसी करके 8 लोगों को नामजद किया और 8 लोगों को नामजद करने के बाद में उसमें से 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी जो लोग हैं उनके लिए हमारी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई है और अतिशीघ्र हम गिरफ्तार कर लेंगे। पुलिस ने एसपी से की शिकायत। 8 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बाकी आरोपियों की सरगर्मी से तलाश जारी। बीकानेर की घटना ने पूरे प्रदेश को किया शर्मसार। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन देश में सबसे शांत समझे जाने वाले प्रदेश में हुई घिनौनी वारदात ने प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज़।